find values of p so that roots of x square plus px plus 1 equals to 0 are real. So now ध्यान से देखो, ax square plus bx plus c ये quadratic equation है अगर मेरे पास, और इसके roots कैसे हैं? Real है. A not equals to 0 है तो roots real के लिए required and sufficient condition क्या होती है? B square minus 4ac या तो positive हो या equal हो. Required रियल इक्वल भी हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. तो पी स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. ध्यान से देखिए, तो पी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. यहां से आंसर क्या आएगा? या तो दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है, या दोनों के दोनों निगेटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है. तो क्या पॉसिबल आंसर होगा? एक तो क्या होगा, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. अगर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो ये p 2 0 है, आंसर माइनस 2 भी है. p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो ये भी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. 2 पे तो 0 होगा ही. अनदर आंसर, p लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 भी आंसर होगा. ध्यान से देखिए, ये भी आंसर होगा. क्यों होगा ये आंसर? अगर p less than equals to minus 2 होगा तो ये minus 2 आंसर है, 0 आ जाएगा. और minus 2 से कम पर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस ये फॉर्मेट एक करेक्ट है, या तो p greater than equals to 2 हो या less than equals to minus 2 हो, वो सभी इसके आंसर्स होंगे. ओके, आगे आप सीखेंगे इसे लिखने का एक और तरीका होता है. p belongs to p is element of minus infinite to minus 2 close bracket, ये क्लोज है, एंड पॉइंट included है, यूनियन टू टू इनफिनिट. ये ओपन और क्लोज आता है तो अच्छी बात है, ये समझ आ जाएगा. नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, ये करेक्ट आंसर है. ओके okay?